हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फोटो हेल्पर पर। गाइस, आज की इस वीडियो में हमने ऐसी तीन बहुत ही कमाल की मोबाइल फोटोग्राफी करी है जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। एंड ये वीडियो में मैंने जितनी भी फ़ोटो को शूट किया है वो आप लोग अपने खुद के ही मोबाइल फ़ोन से कर सकते हो। आप लोग को किसी भी महंगे फ़ोन या कैमरे की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। एंड अगर आप लोगों को फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आप लोगों को फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, मोबाइल फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगी। तो गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं हमारे पहले टिप्स एंड ट्रिक से। अब पहले टिप्स में मैंने आप लोगों के लिए एक क्रिएटिव फोटोग्राफी की है और ये फ़ोटो शूट करने के लिए हमें सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा फ़ोटो शूट करने के लिए हमें अपने फ़ोन के पैनारोमो मोड को ऑन करके सिंपली अपने मॉडल का फ़ोटो शूट कर लेना है और हमारा मॉडल अपना पोज देते जाएगा और हमें फ़ोटो को क्लिक करना है। फ़ोटो क्लिक करते रहेंगे जब तक मॉडल अपना पोज देता रहेगा। इस फ़ोटो को शूट करने के लिए हमारे मॉडल को चार स्टेप देना होगा और वो चार स्टेप कुछ इस तरह होगा। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और ये चौथा स्टेप। और चार स्टेप पूरा होने के बाद हमारा फ़ोटो कुछ इस तरीके का दिखेगा। गाइज, आपको पता ही है कि फ़ोटो क्लिक करने के बाद उतनी अच्छी नहीं आती जितनी कि एडिटिंग के बाद हो जाती है। आप लोग देख ही सकते हैं कि बिफ़ोर एंड आफ्टर फ़ोटो कितना अच्छा हो गया है। गाइज, अगर आपको ये प्रीसेट चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जहाँ से आप प्रीसेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टिप्स की ओर। तो हमारी दूसरी टिप्स कुछ इस तरीके की होगी जैसे हम किसी डस्टबिन में किसी कचड़े को फेंक रहे हों। तो गाइज, इस टिप्स को करने के लिए हमें एक बॉक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है और उस बॉक्स को हम साइड से कट कर लेंगे। उस बॉक्स को हम कुछ इस तरीके से कट करेंगे ताकि वो गोल हो जाए। बॉक्स को कट करने के बाद उसे हम कुछ इस तरीके से राउंड शेप में फोल्ड कर देंगे और इसे राउंड करने के बाद हमें एक टेप की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम इसके दोनों साइड को एक दूसरे से जोड़ सकें। उस टेप को हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे ताकि वो दोनों एक दूसरे से जुड़ जाए। टेप को लगाने के बाद हमें एक पॉलीथीन लेकर उसे अंदर से पूरा फिल कर देना है ताकि एक डस्टबिन वाला लुक आए हमारे फ़ोटो में। और इस पॉलीथीन को हमें अच्छे तरीके से साइड साइड से मोड़ लेना है ताकि कोई भी जगह खाली ना रह सके। इस फ़ोटो को हमें नीचे बैठकर क्लिक करना होगा और हमारा मॉडल ऊपर से इस बॉक्स में बॉटल को फेंकेगा। आप लोग देख सकते हैं वो जैसे ही बॉटल को फेंकें हमें तुरंत ही फ़ोटो को कर लेना है क्लिक। फ़ोटो क्लिक होने के बाद आप देख सकते हैं कि फ़ोटो कितना अमेजिंग आया है। ये फ़ोटो मेरा फेवरेट फ़ोटो है और आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट फ़ोटो कौन सा है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे और लास्ट टिप्स की ओर। इस फ़ोटो को शूट करने के लिए हमें एक बॉटल और थोड़ी सी मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम बॉटल को ज़मीन में खड़ा कर सकें। आप लोग देख सकते हैं बॉटल को हम कुछ इस तरीके से ज़मीन में खड़ा करेंगे। उसके बाद हमें अपने मोबाइल के कैमरे को ऑन करना है और इस फ़ोटो को हम लो एंगल से क्लिक करेंगे। लो एंगल आप लोगों को पता ही होगा कि अपने फ़ोन को उल्टा कर फ़ोटो को क्लिक करना है। मॉडल को कैमरे के सामने जाकर अपना पोज देना है और आप लोग अपने हिसाब से देख लेना कि उसे कितना आगे और पीछे रहना है। मॉडल थोड़ा झुककर अपना पोज देगा। पोज देने के बाद
सिंपली आपको फ़ोटो को कर लेना है क्लिक। क्लिक होने के बाद फ़ोटो कुछ इस तरीके की दिखेगी। फ़ोटो को हम कर लेंगे एडिट। एडिट होने के बाद फ़ोटो हमारी बहुत ही अमेजिंग दिखने लगेगी। तो गाइज यही थी हमारी आज की 3 टिप्स एंड ट्रिक। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें।